Right, so hey guys, what's everybody? I'm Rantav and then back again with a new vlog. So I hope कि आप सभी अच्छे होंगे and safe होंगे. Right, आज के vlog में हम बनाएंगे कोई क्या करेंगे अभी तो कुछ पता नहीं है. So मैं सोच रहा हूँ guys कि sandwich बनाया जाए आज, because आज बहुत मन कर रहा है sandwich खाने का. तो और अभी ऊपर है यार, स्कूल में गया नहीं वो, तो सोच रहा हूँ कि sandwich बनाएं और फिर खाएं हम. सबसे पहले तो ब्रेड लेके आना पड़ेगा, फिर आलू का पेस्ट. आलू तो रखे होंगे तो आलू का पेस्ट बनाएंगे. सो अभी मैं पहले गौरव को बुलाता हूँ. सो भाई अभी गौरव ऊपर से आ चुका है और अभी हम बनाएंगे सैंडविच. अभी सैंडविच बनाएंगे गाइस. तो सबसे पहले ले आते हैं गाइस ब्रेड लेके आते हैं और आलू का पेस्ट तो घर पे रखा है, मतलब पेस्ट आलू की सब्जी बनाई थी तो उसी का हम पेस्ट बना लेंगे. सो भाई तो सबसे पहले चलते हैं. तो गाइस अभी लेके आ चुके हैं हम ब्रेड, ब्राउन ब्रेड लेके आए हैं और अभी बनाएंगे सैंडविच पेस्ट, आलू का पेस्ट. आलू का पेस्ट पहले आलू का पेस्ट बनाएंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे और फिर बनाएंगे सैंडविच. और सैंडविच ये देखो हमारी ये रसोई है छोटी सी, यहीं पर बैठ कर हम बनाते हैं. सो भाई ये पुराने वाला घर है, इसका व्लॉग भी मैं बनाऊंगा पुराने घर का पूरा, मतलब कैसा है, क्या कुछ है, कैसे हम रहते हैं. सो भाई ये क्या हो गया गाइस, आज तो पोपट हो गया बहुत ही बड़ा, बिकॉज हम ब्रेड लेके आ चुके हैं और घर पे आके देखा तो आलू की सब्जी नहीं है, वो आलू बैंगन की सब्जी है. सो ये पोपट हो गया यार, देखो आलू की सब्जी सोची हमने और आलू कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा देखो गाइस. ये देखो इसका सैंडविच बनेगा यार, आलू बताओ बहुत सारे इसमें तो आलू भी नहीं, और ये पेस्ट आलू, आलू का पेस्ट बताओ का पेस्ट है ये तो. अभी बताओ आप क्या करें, और अभी आलू बनाएंगे उबालेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. और मैंने तो सोचा था, मैंने पूछा था कि क्या सब्जी बनाया तो बोले आलू. तो आलू देखा तो उसमें आलू बैंगन भी है, तो हम क्या खाएं, ये तो मतलब तो वही बात होगी. चलो कोई बात नहीं, फिलहाल एक बात और है कि आलू भी खत्म हो रखे घर में, क्या बात भी तो है. अभी आलू भी नहीं लेके आने पड़ेंगे, आलू भी नहीं है मार्केट में जाऊंगा फिर आलू लेके आऊंगा, बाकी खाने का पता मन कर रहा है अभी, बट कोई बात नहीं अभी तो धूप है, शाम को लेके आएंगे, घर वाले लेके आएंगे ब्रेड लेके आए. अभी देख लो आप कितना पसीना चल चुका है शरीर पे. सो अभी तो हम शाम को कहीं बाहर जाएंगे, देखें कहीं जाना होगा तो, अदरवाइज कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग आएगा आपके लिए, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा बिल्कुल भी. सो कुछ न्यू अलग कल आगे व्लॉग में आएगा, आज वाला व्लॉग प्लीज आप एडजस्ट कर लो, आज सब्सक्राइब कर लो तो कल देखना व्लॉग. कल एक न्यू क्रिएटिव व्लॉग आएगा, सो आप देख सकते हो. सो आज तो पपट हो गया क्यों. तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, एक बज चुके हैं और अभी हम मतलब गेम खेलेंगे फ्री फायर, क्योंकि हम खेलते हैं फ्री टाइम में. सो वो खेलेंगे और फिर आपको शाम को मिलते हैं. सो भाई ठीक है गाइस, शाम को मिलते हैं. बाकी आज आप भी बताओ कितना बड़ा पपट हो गया है ना. और क्या, कोई बात नहीं भाई, परफ्यूम ले आए थे बहुत अच्छा परफ्यूम. हाँ उसका रिव्यू गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, ओनली 99 रुपीज में. 99 में कहाँ से आता है, और उसकी स्मेल ना फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, जो मतलब कि एक बार लगाते हैं ना तो कम से कम 24 घंटे वो अप्लाई रहता है अपने शरीर पर. और 99 रुपीज में वो भी, और जूडियो कंपनी है, ब्रांड है यार बिल्कुल. ऐसे अगर आपको अच्छा लगा ना तो हम कल जाएंगे जूडियो, शूज लेके आ रहे हैं. हाँ शूज लेके आएंगे जूडियो, चलते हैं तो परसों जाएंगे गाइस. ठीक है तो परसों जूडियो जाएंगे, मंडे को, संडे को क्या पता वैसे ही बंद हो, तो मंडे को जाएंगे. तो गाइस बारिश आ चुकी है, अभी हम लेके आते हैं कपड़े, जो कि घर वालों ने बोल दिया कि छत पे जाके जल्दी कपड़े लेके आ, सो भी लेके आते हैं. चलो ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहले, यहाँ तो कोई कपड़े ही नहीं है. और वे नीचे आ गए, चलो आया, डर लग रहा है कभी गिर ना जाऊं. सो गाइस फाइनली मिल चुके हैं, ये इसको छुपा दो, ये दे दे तो खाने को मिला नहीं, बाकी मौसम अच्छा हो रहा है खा लेते नहीं. चलो कोई बात नहीं, मैं तौलिया ले आया, जल्दी ले लो. आए सो गाइस तौलिया आ चुके हैं और बारिश अभी जोरदार नहीं आई है, तो इसलिए अभी नाना कैंसिल, बारिश जोरदार आएगी तब बनाएंगे. सो भी गाइस अभी हम खा रहे हैं ब्रेड एंड चाय, चाय वहाँ पे रखी है, सो मैं आपको हाथ से दिखा नहीं सकता, तो अभी चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं. सो गाइस अभी आ चुकी है अपनी और हम आ चुके हैं छत पे, आएगा तो आएगा दे हाय, हाय एंड गाइस मौसम देख लो आप, अपना मौसम दिखाऊंगा कितना मस्त हो रखा है अभी देखो. वेट टाइम लैप्स लेता हूँ. अभी आ चुकी है बारिश और इसको ले जाएंगे हम नीचे, इसकी तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि कल भी तबीयत खराब थी ना, इसलिए उतरा नीचे.
पहले से छोड़ फिर आते हैं बाहर है तू छोड़ा अभी इसको छोड़ जाता हूँ भाई अभी एक और छोड़ कर आता है इसको और मैं आपको शॉर्टर लेकर जाता हूँ दो चार और ठीक है सो भाई अभी बारिश आई थी और फिर चले गए मतलब हल्की हल्की बारिश आई थी और बारिश में मौसम इतना मस्त हो जाता है ना कि फिर आपको क्या बताऊँ अरे बहुत ही मस्त मौसम हो जाता है कहीं बाहर जाते हैं तब तो थोड़ी दिक्कत होती है बट अभी तो घर में है और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आप मौसम देख सकते हो मैंने आपको टाइम लैप्स दिखाया तो बहुत ही अच्छा था बट हवा बहुत अच्छी चली हुई है हवा भी बहुत अच्छी चली हुई है ठंडी ठंडी अभी आएगी ना बरसात तो उसके बाद थोड़ी सर्दी विंटर के सीजन स्टार्ट होंगे एरोप्लेन जा रहा है ओ भाई जा रहा है यार कब बैठेंगे हम सो भाई एक दिन आएगा सो अभी फिलहाल मैंने आपको टाइम लैप्स दिखाया तो बादल मैंने टाइम लैप्स स्टार्ट किया ना तो बादल ऐसे चले गए एकदम से पता नहीं क्यों अब उस साइड है और यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है मतलब लगाने का टाइम लेस तभी तो आएगा अच्छे से तो रात में बनाएंगे तो फिर आएगा नहीं दिक्कत तो है गाइस अब बारिश मतलब काफ़ी दिन हो गए अच्छे से बारिश आ गया ना विंटर के सीजन भी स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा फिर आपको अलग अलग तरह के व्लॉग दिखाएंगे ऐसे हल्की फुल्की बारिश होती है तो मज़ा नहीं आता कि बोलो हल्की फुल्की से मज़ा नहीं आता गाइस पूरी होनी चाहिए या तो दबा के होनी चाहिए सैंडविच तो बनाया नहीं पर हमने आपको देखा कि हमने ब्रेड और चाय खा ब्रेड कहीं तो कहीं यूज़ हुए हैं तो अच्छी बात है रोनी भाई वही लेके आएंगे ब्लैक कलर ये भाई तो पिटबुल लेके आएंगे भाई मैं तो पिटबुल लेके आऊंगा बट अभी नहीं अभी बाद में लेके आऊंगा ठीक है सो अभी फिलहाल हमारा भी यही है कि हम लैब्राडोर लेके आएंगे क्योंकि यार वो पिटबुल थोड़ा ज़्यादा डेंजरस डॉग हो जाता है तो उसके लिए डेंजर ही लेके आना है ब्रदर अरे डेंजरस डेंजरस डेंजर होना चाहिए सिस्टम होना चाहिए ना फिर पब्लिक डेंजर जोन में आ जाएंगे ना डेंजर आएगा तो सिस्टम है होना चाहिए हमें चाहिए स्वीट जोन हमारी तरह हम जैसे स्वीट एंड स्वामी टाइप के अरे वे भी स्वीट होता है बहुत अच्छा होता है आप जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही तो सीखेगा वो आज बारिश तो आ नहीं रही है हमने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है ठीक है ना भाई बारिश तो आई नहीं सो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ सो आई होप यू एंजॉय दिस माय न्यू व्लॉग सो स्टे सेफ इन दिस नेक्स्ट वीडियो सो वही मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बाय टेक केयर एंड सी यू yeah.